9 जुलाई 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मुझसे अनएकेडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनएकेडमी पे फॉलो कीजिएगा। और आप अगर मेरी सभी क्लासेस फ्री में देखना चाहते हैं अनएकेडमी पे तो मेरा अनलॉक कोड है स्टार आईक्यू, इसे जरूर यूज कीजिएगा। कल आपसे सवाल किया था मैंने, उसका सही जवाब क्या होगा? रूस के उफा में होने वाले जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के कितने पहलवानों का चयन हुआ है? तो इसका सही आंसर था कुल 17 पहलवानों का चयन हुआ है हरियाणा के अंदर, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ओके है। आज का पहला क्वेश्चन होगा कि हरियाणा में अटल भूजल योजना के तहत कितने जिलों को कवर किया जाएगा? तो कितने जिलों को कवर किया जाएगा, इसका सही आंसर रहेगा कुल 14 जिलों को कवर किया जाएगा। अब आप कहेंगे सर अटल भूजल योजना का मतलब क्या है? देखिएगा, इस योजना का उद्देश्य ये है कि हरियाणा के जो भूजल संसाधन है उनका हाइड्रोजियोलॉजिकल डेटा नेटवर्क तैयार करना। एग्जाम्पल से सीधा सीधा यूं समझिएगा कि कौन से एरिया में कितना लेवल है भूजल का और उसे कैसे बचाया जा सकता है। सारा खेल तो भैया ऐसा ही है कि जो आपका भूजल है उस पानी को कैसे बचाया जाए। एक्चुअली इसीलिए रिसेंटली एक मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी शुरू की गई है, ताकि जो धान है धान की बजाय कोई दूसरी फसल लगाए तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि धान है धान के लिए तो पानी चाहिए ही चाहिए। इतना ज्यादा अगर आप भूजल का प्रयोग करोगे तो उसका लेवल धीरे धीरे गिरता ही जा रहा है। तो बस इसका उद्देश्य इतना ही है कि सामुदायिक भागीदारी अगर की जाए तो भूजल का मैनेजमेंट अगर कर लिया जाए तो विरासत में या आने वाली पीढ़ियों के लिए ये पानी बच जाए। और ये कितने जिलों के अंदर, कुल 14 जिले हैं, या यूं कहिएगा हरियाणा के 36 ब्लॉक है, या 1669 जो है ना 1669 ग्राम पंचायतों के अंदर जो है इसे शुरू किया जाएगा हरियाणा के अंदर। इतनी बात आप लोगों को जो है इसमें याद कर लेनी है। और अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या होने वाला है डियर, पानीपत के किस गांव में पहली जल पंचायत का आयोजन किया जाएगा? पहली जल पंचायत, जल पंचायत हरियाणा के पानीपत के बी होली गांव में सबसे पहले आयोजित की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका ठीक रहेगा। अब सर ये जल पंचायत जो है ना बेसिकली क्या है, देखिएगा 10 जुलाई 2021 यानी कि कल ही जो है जल विशेषज्ञों की एक टीम पानीपत के बिहोली गांव के अंदर आएगी और इस दौरान जो है पहली जल पंचायत का आयोजन होगा। जल पंचायत में लोगों को क्या होगा कि जल की सुरक्षा को लेकर जागरूक किया जाएगा और ऐसा हरियाणा के पानीपत के बिहोली गांव से शुरू किया जा रहा है। फिर ऐसे जो जल विशेषज्ञ है या जो साइंटिस्ट हैं या जो एग्जांपल से पानी को कैसे बचाया जा सकता है, ऐसी ऐसी छोटी छोटी टीमों का गठन करके हरियाणा के तमाम ग्राम पंचायतों के अंदर दौरा करेगी और लोगों को जागरूक करेगी। सारा खेल ही यही है, अगेन वो कह रहा हूं कि पानी को कैसे बचाया जा सके। यहां मैंने जिक्र किया है पानीपत का, तो पानीपत अपने तीन युद्धों के लिए सबसे ज्यादा फेमस माना जाता है। पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761, जिसमें जो सदाशिवराव भाऊ या मराठों की तरफ से जो लड़े थे, या मराठा और अहमद शाह अब्दाली का जो है आपस में युद्ध हुआ था, उसमें मराठे बुरी तरीके से हारे भी थे। पानीपत जो है ना उसको आप बुनकरों का शहर भी कहते हैं और पानीपत से ही सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी। इस पॉइंट को भी आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। पानीपत को भी आने वाले टाइम के अंदर जो है वो मेडिकल इंडस्ट्रीज का हब बनाया जाएगा, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था साल 2020 के करंट अफेयर के अंदर ये बात थी। तब हम लोगों ने चाइना के प्रोडक्ट को बंद किया था और मेड इन इंडिया मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, तो चाइना की दवाइयों को छोड़ के हरियाणा के पानीपत के अंदर जो है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई जा रही है जो कि स्पेशली फार्मा इंडस्ट्रीज है। ठीक है, अगला सवाल है कि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने जून 2021 तक लाभार्थी को कितने लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो देखिएगा, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने जून 2021 तक लाभार्थियों को टोटल जो है वो 113.76 लाख रुपए जो है इतनी राशि समर्पित की है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने चालू वित्त वर्ष के दौरान जो है ना, यानी कि जून 2021 तक अलग अलग योजना है, लगभग जो है 100 जो आपके क्षेत्र लाभार्थी है इनको जो है वो 113.76 लाख रुपए है इतनी वित्तीय सहायता दी है।
जिसमें से जो लगभग 11.5 लाख रुपए की सब्सिडी है और 5.5 लाख रुपए का मार्जिन मनी के रूप में जो है वो शामिल किया गया है। अनुसूचित जाति है, जनजाति है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, इनके लिए जो है बहुत सारी प्रकार की योजनाएं होती है और इन्हीं को ही जो है ना सरकार अभी फ्री में अनाज भी दे रही है। पर मंथ आप लोगों को ये भी पता होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाएं चलाई जा रही है। लास्ट टाइम चलाई गई थी हालांकि 2020 में, उसे अभी भी सुचारू रूप से चलाया ही जा रहा है। भारत में अनुसूचित जाति वैसे सबसे ज्यादा मैं बता देता हूँ, शेड्यूल कास्ट जो है वो यूपी में है और शेड्यूल ट्राइब जो है, जो एसटी जिसको आप लोग बोलते हो, वो ज्यादा एमपी के अंदर है। अगला सवाल है कि हाल ही में किसे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जगाधरी का संपदा अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो जगाधरी का संपदा अधिकारी नियुक्त किया गया है ईशा कंबोज को, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका हमारा वो आंसर ठीक रहेगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की सचिव ईशा कंबोज को जो है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव के साथ साथ एक काम और भी दे दिया गया है, क्या? शहरी विकास प्राधिकरण जगाधरी का संपदा अधिकारी अभी रिसेंटली जो है वो नियुक्त किया गया है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। के अलावा आपको पीजीआई रोहतक के अतिरिक्त निदेशक बनाए गए हैं सुरेंद्र सिंह को, ठीक है, इनको कनीना का उपमंडल अधिकारी, मतलब ये तो पहले ही थे खैर सुरेंद्र, लेकिन कनीना का उपमंडल अधिकारी भी बना दिया गया। अच्छा, के अलावा आबकारी एवं कराधान विभाग के संयुक्त आयुक्त मयंक भारद्वाज है, इनको हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण करनाल का संपदा अधिकारी और कौशल विकास औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के संयुक्त निदेशक भी जो है, इनका नाम है अमित कुमार, इनको नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग का संयुक्त निदेशक और इसी विभाग का उप सचिव नियुक्त किया है। तो ओवरऑल आप 4 व्यक्तियों को जो है अतिरिक्त कार्यभार के रूप में याद कर सकते हैं। आई रिपीट अगेन, जिसमें से सबसे पहला आपको ईशा कंबोज याद रखना है। ईशा कंबोज जो HSSC की सचिव है, इसके साथ साथ इन्हें बना दिया गया है क्या, शहरी विकास प्राधिकरण जगाधरी का संपदा अधिकारी। 2 नंबर व्यक्ति है जो पीजीआई रोहतक के अतिरिक्त निदेशक है, जिनका नाम है सुरेंद्र सिंह, इनको कनीना उपमंडल अधिकारी। 3 नंबर व्यक्ति है मयंक भारद्वाज, ये आबकारी कराधान विभाग के संयुक्त सचिव है, इनको हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण करनाल का संपदा अधिकारी बना दिया। और 4 नंबर व्यक्ति है अमित कुमार, इनके पास में कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग है, इनको जो है नगर ग्राम आयोजना विभाग का संयुक्त निदेशक बना दिया गया है और इसी डिपार्टमेंट का उप सचिव भी बनाया है अभी हाल ही में। ये नियुक्तियां थोड़ी आप लोग याद करिएगा क्योंकि ये बड़ी कंफ्यूजन वाली होती है, इन्हें आप साथ के साथ कॉपी पे नोट कर लीजिएगा ताकि याद रहती हैं फिर ये। चलो जी, ये तो इनका आप लोग समराइज डेटा देख सकते हैं। सर, इनको नियुक्तकर्ता कौन है? विजय वर्धन जो है हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी है, वही इनके नियुक्ति के जो लेटर ऑर्डर होते हैं वो पास किया करते हैं। हरियाणा में मेथा की खेती करने वाले किसानों को, मिंट आप लोग जानते होंगे, पुदीना, ठीक है, इसकी खेती करने के लिए किसानों को प्रति एकड़ कितने रुपए की सब्सिडी दी जाएगी? तो अगर हरियाणा के अंदर कोई जो है वो मेंथा की खेती करता है तो उसको 7,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा। तकरीबन 100 एकड़ में हिसार, फतेहाबाद, अंबाला, जींद, कैथल, गुरुग्राम सहित कई जिलों में जो है मेंथा की खेती की जाती है, ठीक है, और इसकी बुआई का सही समय होता है फरवरी और मार्च के अंदर, ठीक है, और गर्मी गर्मी के दौरान ये थोड़ा सा काफी अच्छा फैलता भी है, आप लोगों ने देखा भी होगा इसे, ठीक है। 1 हेक्टेयर पर 16,000 जबकि 1 एकड़ पर 6,400 रुपए सब्सिडी के रूप में दिए जाते हैं सरकार की तरफ से। मेंथा उगाने पर प्रति एकड़ 65,000 से लेकर 70,000 रुपए तक की आमदनी हो सकती है। 1 एकड़ में तकरीबन 30,000 रुपए तक की फसल की जो है वो टोटल लागत भी आती है। तो इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है इस वाले क्वेश्चन से। अब आपको ये सारा डेटा समराइज करना है। अगर धान है, धान नहीं लगाते हैं तो धान की बजाय अगर कोई भी फसल लगाते हैं, खेत खाली भी छोड़ते हैं, तो आपको 7,000 रुपए प्रति एकड़ जो है वो सब्सिडी मिलेगी। प्लस में 7,000 ही आपको याद रखना है कि अभी ये रिसेंटली मेथा की खेती वाली बात भी हो गई है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई बाजरा जो है ना, बाजरा ना लगा के कोई तिलहन दलहन लगाता है तो कितने हजार रुपए मिलेंगे जी? 4,000 रुपए प्रति एकड़ मिलने वाले हैं। इस पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अच्छा, प्याज कोई लगाता है तो उसको कितने हजार मिलेंगे बताइएगा? सब्जी में या कोई बागवानी कोई करता है तो उसको कितने हजार रुपए प्रति एकड़ मिलेंगे, ये कमेंट में आप मुझे बताइएगा। रिसेंटली मैंने आपसे शेयर की थी बातें ये।
अगला सवाल है कि हाल ही में किसे संस्कृत विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है प्रोफेसर राजकुमार मित्तल। ऐसे क्वेश्चन आपको पक्के पक्के याद करने हैं। और संस्कृत विश्वविद्यालय के नए कुलपति जो बने हैं ये भिवानी में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं राजकुमार मित्तल, इनको अतिरिक्त कार्यभार मतलब वहां के तो कुलपति है ही है, यहाँ के कुलपति और बन गए हैं। सर इनसे पहले कौन थे? श्री डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी, अभी ने रिसेंटली इस्तीफा दिया था, मैंने पढ़ाया भी था। और यह हरियाणा की एकमात्र जो है संस्कृत यूनिवर्सिटी है जिसका पहले नाम था महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी, लेकिन अब कर दिया गया वाल्मीकि, ब से व कर दिया गया, ठीक है। ये कैथल जिले के गांव मुंदड़ी और जटहेड़ी में है, मुंदड़ी में इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है ऑफिस है, और इसका जो क्लासेस वगैरह का कंसेप्ट है वो है आपका जटहेड़ी में, 53 एकड़ जमीन ली गई थी रिसेंटली। अगला सवाल आपका क्या होगा? अच्छा, इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 15 मार्च 2018 को हुई थी, ठीक है। हरियाणा में कब तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का लक्ष्य रखा गया है? तो हरियाणा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2025 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरे भारत के अंदर जो है इसे 2030 के अंदर जो है वो लागू किया जाएगा, और मतलब टारगेट दिया गया है, लेकिन हरियाणा इसे 2025 तक ही लागू कर देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हर एक जिले में विदेशी भाषा सिखाने वाले एक स्कूल को भी खोलने की संभावनाएं हैं, मतलब जैसे एग्जाम्पल से जर्मन है, डच है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को सिखाया जाएगा, स्किल को बढ़ाया जाएगा, नॉलेज को बढ़ाया जाएगा, कई सारी चीजों पे जो है काम किया जाएगा। टेक्निकल एजुकेशन पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया जाएगा, इसमें कोडिंग हुआ, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट हुआ, प्रोग्रामिंग हुई, इन पे सरकार थोड़ा ज्यादा फोकस करेगी आने वाले 2025 तक। अगला सवाल होगा कि हरियाणा में बिजली बिल का भुगतान आसान करने के लिए किसकी शुरुआत की गई है? तो हरियाणा में बिजली बिल का भुगतान करने के लिए मिस कॉल अलर्ट सर्विस, ठीक है, इसका जो है इस योजना की जो है वो शुरुआत की गई है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। बस इतनी सी बात है, मिस्ड कॉल अलर्ट सर्विस जो है बिजली बिल को भुगतान अगर करना चाहते हैं तो कुछ टोल फ्रीज नंबर है उनके ऊपर आप मिस कॉल करिएगा, ठीक है, तो वहां से आपको जो है अलर्टनेस यानी कि एक टाइप से एक रिवर्ट मैसेज जो है वो मिलने वाला है, जिसके तहत आपको आपका ब्यौरा मिल जाएगा कि आपके ड्यू डेट वगैरह है वो नोटिफाई कर दी जाएगी। रिसेंटली एक स्मार्ट मीटर जो बिजली वाले, जैसे आपकी बिजली की रीडिंग वगैरह खराब हो जाती है, गलत हो जाती है, तो ट्रस्ट रीडिंग करके भी आपकी स्कीम स्टार्ट की गई थी, शायद आपको याद होगा ये, ठीक है ना। और बिजली विभाग के अंतर्गत आप लोग जानते ही हैं दो डिपार्टमेंट है, एक है UHBVNL और एक है DH, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, एक उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, ठीक है डियर, तो दोनों याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, मिस्ड कॉल अलर्ट सर्विस के लिए नंबर कौन से हैं सर जी? उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम जो है इनके उपभोक्ताओं के लिए तो है 7087019636, और उनके लिए दक्षिण हरियाणा के लिए 7082102200। मिस कॉल देके ऑनलाइन ही कर सकेंगे बिजली बिल का भुगतान, मतलब मैंने कहा ना कि आपको आपके ब्यौरा या ड्यू डेट वगैरह जो है वो मिल सकेगी। हाल ही में किस कंपनी के प्रबंध निदेशक सियोन सियोब किम ने नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है? इस कंपनी का नाम है हुंडई मोटर्स इंडियन, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा। अब ये देखो कोरियन नेम है इस करके नाम ऐसा लग रहा है आपको, ठीक है ना, हुंडई मोटर्स ने जो है ना वो भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक नई टेक्नोलॉजी, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट हरियाणा में लगाने की इच्छा जाहिर की है। इसके लिए चंडीगढ़ में कंपनी के प्रबंध निदेशक जिनका नाम है सियोन सियोब, इन्होंने अभी मुलाकात की, गुरुग्राम में जो है इंडिया हेडक्वार्टर का उद्घाटन करने का निमंत्रण भी दिया है, ठीक है ना, मतलब बेसिकली हुंडई का एक इंडिया लेवल का हेडक्वार्टर जो है वो बनाया जा रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात होगी हरियाणा के अंदर जो है। और बात आपको मैं बताऊं यहां से तो क्या है कि हुंडई मोटर्स इंडिया कंपनी जो है ना हरियाणा में उद्योग स्थापित करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो बनाया गया है, जिस पर सभी तरीके की मंजूरी बेहद आसान, मतलब एक ही जगह से जो है ना कोई भी अगर मंजूरी लेना चाहता है, कोई भी बाहर से अगर आके प्रोजेक्ट स्थापित करना चाहता है तो एक ही जगह से उसे मंजूरी मिल जाएगी, और ये भारत में सबसे अच्छा माना जाता है हरियाणा के इस सिंगल विंडो सिस्टम को, काफी इंपॉर्टेंट बात है ये भी। चलिए जी, इसी के साथ में हम लोग इस लेक्चर को तो कर देते हैं समाप्त, और आपसे सवाल एक कर लेते हैं कि हरियाणा के आबकारी विभाग में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? बताइएगा 20, 28, 35, 40 विस्तार से। थैंक यू सो मच, कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।